हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देवस्पोक इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि सर, पूरे मॉडल्स वर्ब्स के आप लिस्ट बताइए, उनके आप यूजर्स एक साथ बताइए। तो आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको सारे मॉडल्स के डिटेल बताने जा रहा हूँ। बड़ा ताबड़तोड़ वीडियो बनने वाला है, काफी लंबा वीडियो बनने वाला है। सारे मॉडल्स के मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अंत तक देखना है। तो जैसा कि आज अपन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इसको पढ़ा क्या जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर शब्द है मॉडल और एक और शब्द होता है मॉडल, ठीक। तो इसको पढ़ा जाता है मॉडल, ठीक है, और ये आपका होता है मॉडल। तो मॉडल मतलब होता है मॉडलिंग वाली बात। जैसे कि कोई एक एक्ट्रेस होती है, या कोई लेडी जो मॉडलिंग करती है, या कोई मॉडल आप बनाते हो किसी, जैसे कि आप केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े हो या फिजिक्स में, हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं, एक नमूना, दैट्स कॉल्ड मॉडल। लेकिन हम ग्रामर की बात करें तो इसको कहा जाता है मॉडल। तो मॉडल और मॉडल में फर्क है। अच्छा, कई लोग इसको मॉडल भी पढ़ देते हैं, पाप है, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। ये मॉडल नहीं होता, मॉडल होता है, ठीक। तो दोस्तों, समझने की बात ये है कि ये जो मॉडल शब्द है, इसका यूज क्या है। तो एक्चुअली मॉडल जो होता है, ये आपका मूड बताता है, स्पीकर का मूड बताता है, या फिर उसका एटीट्यूड बताता है। तो कोई भी स्पीकर अपना मूड शो करना चाहता है, या अपना एटीट्यूड शो करना चाहता है, तो मॉडल का यूज करेंगे। और मॉडल्स को आप मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम वर्ब्स की भी तरह यूज करेंगे। बट एक चीज को याद रखें, मॉडल वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब के आगे आएगा, कभी उसके पीछे नहीं आता है। लेट मी रिपीट, जैसे एक सेंटेंस देखिए, यू डू योरसेल्फ। एक सेंटेंस मैंने लिखा, यू डू योर सेल्फ, तुम अपने से करो। तो यहां पर जो डू है वो मेन वर्ब है। अब अगर इसमें कोई मॉडल वर्ब लगाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लगाऊंगा, यू शुड डू योर सेल्फ, क्लियर। तो मैंने मेन वर्ब डू के आगे मॉडल वर्ब लगाया। कभी भी यू डू शुड योर सेल्फ नहीं होगा। तो मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब के आगे आता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने सारा लिस्ट लिखा हुआ है, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं। तो मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, नीड टू, डेयर, यूज्ड टू। वैसे अगर आप देखा जाए तो कई टीचर के अपने अपने स्टाइल है, वो अपने तरीके से चीजों को बताते हैं। बुक में भी बहुत सारे विवाद है, देयर आर मेनी एक्सेप्शनल केसेस। कोई बोलते हैं 10 है, कोई 14 है, कोई 8 है, कोई अनेक प्रकार के बताते हैं। और मैं भी इसमें आपको कोई एकदम से दावा नहीं करूंगा, बट इन सारे मॉडल्स को हम मॉडल वर्ब्स की तरह यूज करते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि मूड को हम शो करना चाहते हैं। अब मूड में हमारा क्या क्या हो सकता है, स्पीकर का एबिलिटी बताने की बात हो सकती है, परमिशन लेने देने की बात हो सकती है, ऑब्लिगेशंस की बात हो सकती है, ड्यूटीज की बात हो सकती है, ओल्ड हैबिट की बात हो सकती है। तो ये सब हम मूड और एबिलिटी के माध्यम से बताते हैं। तो बिना समय गवाए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन को, ठीक। तो कैन भी एक प्रकार का मॉडल है, और इसका जो हम यूज करते हैं, ताकत या शक्ति बताने के लिए करेंगे। तो अगर आपका मूड हुआ, आपकी मानसिकता हुआ कि यार यहां पे मुझे अपनी ताकत शो करना है, अपनी ताकत बताना है, अपने पावर को शो करना है, तो आप कैन नामक मॉडल का यूज कर लेंगे, ठीक है। कैन का पहचान होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। क्या होता है इसका पहचान? सकता है, सकती है, सकता हूं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी रिपीट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब जैसे एक सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो यू कैन प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं ये दरवाजा तोड़ सकता हूं, तो आई कैन ब्रेक दिस डोर। तो मैं ये दरवाजा तोड़ सकता हूं, तो यहां पे ताकत बताने की बात हो रही कि मेरे अंदर वो ताकत है, हिम्मत है कि मैं ये दरवाजा तोड़ दूं। तो हिंदी में हम सकना शब्द का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश में
कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे साथ बोलते हुए चले, ठीक है? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच द चिल्ड्रन। मैं खाना पका सकता हूं, आई कैन कुक फूड। तुम खाना पका सकते हो, यू कैन कुक फूड। तुम खाना नहीं पका सकते हो, यू कैन नॉट कुक फूड। तुम नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। क्या तुम एक लेटर लिख सकते हो, कैन यू राइट अ लेटर। क्या तुम खाना पका सकते हो, कैन यू कुक फूड। तुम कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम। तुम क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट। क्लियर? अब कैन में एक और केस देखते हैं, हो सकता है या बन सकता है। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट। सकना के लिए कैन और होना के लिए बी। तो हम किसी की अवस्था से संबंधित ताकत बताना चाहते हैं तो कैन बी का यूज करेंगे, और चूंकि यहां काम नहीं होगा इसलिए वर्ब नहीं आएगा, ठीक है? खाना स्वादिष्ट हो सकता है, फूड कैन बी टेस्टी। वह बलवान हो सकता है, ही कैन बी माइटी। वह बहादुर हो सकता है, ही कैन बी ब्रेव, ठीक है? सवाल कठिन हो सकता है, क्वेश्चन कैन बी हार्ड। अब इसी में एक और केस देखते हैं, कोई वस्तु पास हो सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सकना के लिए कैन और वस्तु पास होना के लिए हैव या हैस। तो कोई वस्तु पास हो सकता है, कैन हैव या कैन हैस, लेकिन कैन के साथ हैस नहीं लगेगा। एक चीज नोट कर लीजिए, किसी भी मॉडल के साथ हैस और हैड नहीं लगेगा, किसी भी मॉडल्स के साथ हैस या हैड नहीं लगेगा। तो कोई वस्तु पास हो सकता है, कैन हैव। बच्चों के पास किताबें हो सकती है, चिल्ड्रन कैन हैव बुक्स। तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी हो सकती है, यू कैन हैव अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? उसे एक समस्या हो सकती है, ही कैन हैव अ प्रॉब्लम। तो ये हमने पहला पढ़ा कैन। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुड। कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है? तो पास्ट से संबंधित कोई भी एबिलिटी आपको बताना है तो आप कुड का यूज करेंगे। और इसका पहला केस का पहचान है सका सकी सके। क्या है पहचान? सका सकी सके। स्ट्रक्चर देखिए, मेरे नीचे स्क्रॉल आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी रिपीट, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। हम खाना नहीं पका सके, वी कुड नॉट कुक फूड। भारत मैच नहीं जीत सका, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। क्या तुम कार चला सके, कुड यू ड्राइव अ कार। क्या तुम खाना पका सके, कुड यू कुक फूड। अब इसी में हम दूसरा केस लेंगे और उसका पहचान है सकता था, सकती थी, सकते थे। और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आई डब्ल्यू प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। वह खाना पका सकता था, ही कुड हैव कुक्ड फूड। वह किताबें नहीं दे सकता था, ही कुड नॉट गिव बुक्स। तुम कोशिश नहीं कर सकते थे, यू कुड नॉट हैव ट्राइड। क्या मैं खाना पका सकता था, कुड आई हैव कुक्ड फूड। क्या मैं बच्चों से बात कर सकता था, कुड आई हैव टॉक्ड टू चिल्ड्रन। मैं क्या कर सकता था, व्हाट कुड आई हैव डन। अब दोस्तों एक चीज को समझने वाली बात यह है कि कुड का यूज तो वैसे पास्ट के लिए है, बट इसको कभी कभी हम लोग प्रेजेंट के लिए भी करते हैं। जब आप किसी से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, बहुत मीठा होकर किसी से बात करना चाहते हैं, तो कैन और मे की जगह, कैन तो खैर वैसे करते भी नहीं है, मे को रिप्लेस करके आप कुड यूज कर लीजिए। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन, आप जानते ही हो। इसकी जगह आप यूज कर सकते हो कुड आई कम इन। क्या मैं जा सकता हूं, कुड आई गो। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, कुड आई टॉक टू यू। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं, कुड आई आस्क योर नेम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मे नामक मॉडल का। बड़ा पॉपुलर है ये भी, स्पोकन में काफी ज्यादा यूज होता है। तो मे का जो यूज होता है परमिशन लेने व देने के लिए किया जाता है। वैसे एक और यूज है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज के लिए भी यूज करते हैं। तो फिलहाल अपन परमिशन लेने देने की बात करते हैं। तो इसका भी पहचान होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और आई डब्ल्यू प्लस मे प्लस सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क से बनेगा। और एक सेंटेंस रटा हुआ है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं जा सकता हूं, मे आई गो। क्या मैं लिख सकता हूं, मे आई राइट। ठीक है, आप जा सकते हैं, यू मे गो। आप खेल सकते हैं,
यू मे प्ले, आप नहीं खेल सकते हैं, यू मे नॉट प्ले, आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, यू मे नॉट टॉक टू मी, आप दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, यू मे नॉट ओपन द डोर। अच्छा, क्लास में कई भी बच्चे पूछते हैं कि सर कैन से भी तो खोल सकते हैं ना, यू कैन नॉट ओपन द डोर। बिल्कुल सही है, कैन और मे दोनों का पहचान सकता है, सकती है, सकता हूं, दोनों का एग्जैक्ट सेम है, बट दोनों का खेल अलग है। दो भाई है, दोनों का सरनेम एक है, बट एक चोर और एक पुलिस, इसको आप ऐसे समझिए। कैन का यूज ताकत के लिए होगा, मे का यूज परमिशन के लिए होगा। तो तुम दरवाजा नहीं खोल सकते हो, अगर लगता है कि लड़के के अंदर ताकत नहीं है कि वो दरवाजा खोल ले, दरवाजा काफी बड़ा है, तो हम बोलेंगे यू कैन नॉट ओपन द डोर। लेकिन लड़का खोल सकता है और हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू मे नॉट ओपन द डोर। तो ट्रांसलेशन में दिक्कत जाएगा, बट जब आप इंग्लिश बोलने के लिए जाएंगे तो दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि आपका मूड क्या है। और इसीलिए तो मॉडल्स यूज कर रहे हैं कि आपका मूड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। परमिशन की बात हो रही है, आज्ञा लेने देने की बात हो रही है, तो भाई आप मे यूज कर लेना, और जब ताकत की बात हो रही होगी तो कैन यूज कर लेना। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विल और शैल। तो विल और शैल के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको यूज किया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो देखिए मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए और विल और शैल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। अगला यूज हम देखेंगे अगले मॉडल में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है शुड, और स्पोकन में काफी ज्यादा यूज होता है और इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो शुड का जो मोटा मोटा जो यूज है, असली जो यूज है, वो सलाह लेने देने के लिए किया जाता है। देखिए, आपके जीवन में से कई परिस्थितियां आएंगी जहां पे आपको सलाह की जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई से अगर संबंधित कोई सलाह है तो आप डॉक्टर से सलाह लोगे, हेल्थ से संबंधित कोई अगर समस्या है तो आप एक डॉक्टर से सलाह लोगे, कहीं जॉब कर रहे हो तो आप अपने सीनियर से या अपने कोलीग से सलाह ले सकते हो, या फिर आप अपने फादर से या दोस्तों से या रिलेटिव से भी आप सलाह ले सकते हो। तो जहां सलाह लेने देने की बात होगी, जहां पर आप एक्सचेंज करेंगे द पीस ऑफ एडवाइस, शुड का यूज करेंगे, और ये शुड का यूज प्रेजेंट और पास्ट बस में होता है। ठीक है, और इसका पहचान होता है ना चाहिए। तो एक डॉक्टर अगर किसी को सलाह देगा तो कैसे सलाह देगा कि भाई आपको तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए, आपको शराब छोड़ देना चाहिए, ठीक है, आपको रोज समय पर दवाइयां लेनी चाहिए। टीचर सलाह देगा तो तुम्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें अच्छे लड़कों से दोस्ती करना चाहिए, तुम्हें रोज क्लास आना चाहिए। दोस्त दूसरे दोस्त को भी सलाह देता है कि भाई तुम्हें ये क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुमको फलाना चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो तुम्हें आना चाहिए, खेलना चाहिए, जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहाना चाहिए। शुड का केस है, ना चाहिए पहचान है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंसेस बनेगा। कैसे? तो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें दोबारा कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई अगेन। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक द डोर। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, शुड आई प्ले क्रिकेट। और इसी में एक और केस देखेंगे, होना चाहिए या बनना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चूंकि यहां पर भी काम नहीं होगा, अवस्था से संबंधित सलाह देंगे, इसलिए वर्ब नहीं आएगा। तुम्हें क्लास में होना चाहिए, तो यू शुड बी इन द क्लास। सवाल कठिन होना चाहिए, तो क्वेश्चन शुड बी हार्ड या टफ। चाय गर्म होना चाहिए, तो टी शुड बी हॉट। ठीक है, उसे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, तो ही शुड नॉट बी विथ चिल्ड्रन। तीसरा केस देखेंगे, कोई वस्तु पास होना चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों के पास खिलौने होना चाहिए, तो चिल्ड्रन शुड हैव टॉयज। तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब। उसके पास 1,00,000 रुपए होना चाहिए, तो ही शुड हैव 1,00,000 रुपीज। अब इसी का पास देखेंगे, ना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो तो पास्ट के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मुझे कार चलाना चाहिए था, शुड आई हैव ड्रिवन अ कार। मुझे क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव डन। क्लियर। अच्छा, शुड में एक और केस मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा पॉपुलर है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आऊं जाऊं खाऊं मिले बताए से अंत होता है, जैसे मैं क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अब मैं कहां जाऊं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, मैं ये काम कैसे करूं। तो ये भी शुड से बनेगा, ज्यादातर इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। क्या मैं खेलूं, शुड आई प्ले। मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। तो शुड का यूज सलाह लेने देने के लिए प्रेजेंट और पास्ट में देखा। इसी का बड़ा भाई देखेंगे, मस्ट।
तो सिंपल सलाह के लिए शुड होता है, आवश्यक या अनिवार्य सलाह लेने देने के लिए मस्ट का यूज प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं। तो तुम्हें जाना चाहिए सिंपल सलाह, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तो यहां पर हम उस एडवाइस की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं कि वो काम का है। तुम्हें ये मूवी अवश्य देखनी चाहिए, तुम्हें दवाइयां जरूर लेनी चाहिए, तो तुम्हें दवाइयां लेनी चाहिए, लेना है तो लो नहीं तो भाड़ में जाओ, लेकिन तुम्हें दवाइयां जरूर लेनी चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि भाई दवाई लेना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। तो यहां मस्ट का प्रयोग करेंगे और मस्ट का पहचान होता है जरूर ऑब्लिक अवश्य प्लस ना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से ये बनेगा। तो तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट, तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए, यू मस्ट ट्राई, तुम्हें ये मूवी अवश्य देखना चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, तुम्हें जरूर डॉक्टर से बात करना चाहिए, यू मस्ट टॉक टू अ डॉक्टर। अब इसी का सेकंड केस, जरूर ऑब्लिक अवश्य प्लस होना चाहिए या बनना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट, सवाल जरूर कठिन होना चाहिए, क्वेश्चन मस्ट बी हार्ड या टफ, खाना जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए, फूड मस्ट बी टेस्टी, ठीक है, उसे जरूर भूखा होना चाहिए, ही मस्ट बी हंग्री, बच्चों को जरूर क्लास में होना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट बी इन द क्लास। तीसरा केस देखते हैं, जरूर ऑब्लिक अवश्य कोई वस्तु पास होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पास जरूर 1,00,000 रुपया होना चाहिए, ही मस्ट हैव 1,00,000 रुपीज, तुम्हारे पास अवश्य एक किताब होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ बुक, उसके पास जरूर एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ही मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। अब इसी का पास देखते हैं, जरूर ऑब्लिक अवश्य प्लस ना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मस्ट कभी कोई पास्ट अलग से नहीं होता, हैव लगा के V3 लगा तो पास्ट के लिए तैयार हो जाएगा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन, तुम्हें जरूर कोशिश करना चाहिए था, यू मस्ट हैव ट्राइड, तुम्हें अवश्य मूवी देखनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी। क्लियर यहां तक? चलिए अगला केस देखते हैं, अब इसका एक और बड़ा भाई देखते हैं, पार्ट टू। तो शुड का यूज सिंपल सलाह, मस्ट का यूज आवश्यक या अनिवार्य सलाह, तीसरा देखेंगे ऑट टू। ऑट टू भी एक प्रकार का सलाह होता है जिसमें ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की बात होती है, नैतिकता की बात होती है जहां पर, तो नैतिक सलाह लेने देने के लिए ऑट टू का यूज प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं। अभी नैतिकता क्या है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, नैतिकता मतलब हमारा कर्तव्य इसके प्रति, समाज के, देश के, परिवार के, प्रकृति के, संविधान के, मानवता के प्रति जो जो हमारे कर्तव्य है सब नैतिकता कहलाता है। और नैतिक सलाह लेने देने के लिए आप ऑट टू का प्रयोग करेंगे, इसका भी पहचान होता है ना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा, निगेटिव में ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में IW प्लस ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब यहां पर भी पहचान ना चाहिए और शुड का भी पहचान ना चाहिए, तो पता कैसे चलेगा? तो शुड सिंपल है, सिंपल सलाह है, और टू नैतिक सलाह है। तुम्हें मोहन की मदद करनी चाहिए, ये क्या है? सिंपल सलाह है। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अब यहां नैतिकता की बात हो गई। तुम्हें दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए, ये सिंपल सलाह है। तुम्हें राष्ट्रीय धरोहर नहीं तोड़ना चाहिए, नैतिकता है। तुम्हें प्रकाश की मदद करनी चाहिए, ये सिंपल सलाह है, ठीक है। तुम्हें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें विधवा लोगों की मदद करनी चाहिए, ये नैतिकता। तो जहां नैतिकता की बात होगी, ड्यूटी की बात होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, ऑब्लिगेशन की बात होगी, ऑट टू का प्रयोग होगा। तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प पुअर, ठीक है। तुम्हें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यू ऑट नॉट टू कट द ट्रीज। तुम्हें ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू ऑट टू स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। अब इसी का सेकंड केस, होना चाहिए या बनना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू ऑट टू बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक अच्छा पिता होना चाहिए, यू ऑट टू बी अ गुड फादर। तुम्हें एक अच्छा भारतीय होना चाहिए, यू ऑट टू बी अ गुड इंडियन। तुम्हें झूठा नहीं होना चाहिए, यू ऑट नॉट टू बी अ लायर। अब इसी का अगला केस देखेंगे, कोई वस्तु पास होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों के पास आई कार्ड्स होने चाहिए, तो चिल्ड्रन ऑट टू हैव आई कार्ड्स। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो यू ऑट टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए,
तो दे ऑट टू हैव ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। पास्ट केस देखेंगे, ना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, यू ऑट टू हैव हेल्प्ड द पुअर। तुम्हें मंदिर जाना चाहिए था, यू ऑट टू हैव गॉन टू टेम्पल। तुम्हें मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए था, यू ऑट नॉट टू हैव ब्रोकन द स्टैचू। क्लियर? अब अगला केस हम लोग ले रहे हैं हैव टू ऑब्लिक हैज टू। तो कई ऐसे काम होते हैं इस मॉडल के माध्यम से हम बताएंगे कौन सा ऐसा काम जिसको आप अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते, किसी प्रकार की मजबूरी या दबाव में आप करना चाह रहे हो तो आप हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। और इसका पहचान होता है ना है ना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव होगा आई डब्ल्यू प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो कौन से ऐसे काम है जिसको आप मजबूरी बताना चाहते हैं, मजबूरन करना चाहते हैं, तो आप उसको हिंदी में कैसे बताएंगे? जैसे कि मुझे दवाइयां लेना है, तो इच्छा है नहीं लेकिन फिर भी लेना है आपको, ठीक है। मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे एग्जाम दिलाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, है ना, हमें दोबारा कोशिश करना है, हमें रात भर पढ़ाई करना है, हमें ये काम खत्म करना है। तो यहाँ सारे सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो मजबूरी बताई जा रही है। अच्छा, एक और मजबूरी होती है जो रूटीन में आ जाता है, जैसे मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मुझे अकेले रहना पड़ता है, तुम्हारे पास तो बाइक है, मुझे तो पैदल जाना पड़ता है, मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता है। तो मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता है, ये रोज की मजबूरी। तो मजबूरी एक बार की या बार बार की, हैव टू या हैज टू से ही बनेगा। एक सेंटेंस देखिए, मुझे दोबारा नहाना है, आई हैव टू टेक अ बाथ अगेन। आपको क्या कहना है, व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे 6 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप एट 6 o'clock। मुझे आपसे बात नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। आपको क्या पूछना है, व्हाट डू यू हैव टू आस्क। तो याद रखना, आई वी यू दे नॉन प्लूरल के साथ हैव टू, और ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज टू। नेगेटिव में डू डस आता है, और डू डस जब भी आता है तो हैज टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हैव टू का एस या ईएस रूप है और डू डस को इससे एलर्जी होता है। अब बात करते हैं हैड टू का। तो बीते हुए समय में किसी काम को आप मजबूरन किए थे या करना पड़ा आपको, तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। और इसका पहचान होता है ना था ना पड़ता था या ना पड़ा। ना था ना पड़ता था ना पड़ा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है जितने भी टू वाले ग्रामर होते हैं इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो मुझे दवाइयां लेना पड़ा, आई हैड टू टेक मेडिसिंस। उसे दोबारा नहाना पड़ा, तो ही हैड टू टेक अ बाथ अगेन। तुम्हें क्या कहना था, व्हाट डिड यू हैव टू से? मुझे सुबह उठना पड़ता था, तो आई हैड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हें पेड़ों को काटना पड़ा, तो डिड यू हैव टू कट द ट्रीज। अब इसका हम फ्यूचर पढ़ेंगे और फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल हैव टू। भविष्य में किए जाने वाले मजबूरन काम को विल हैव टू से बताएंगे, और इसका पहचान होगा ना पड़ेगा या ना होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। कल तुम्हें जाना पड़ेगा, तो टुमारो यू विल हैव टू गो। उसे पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो ही विल हैव टू रिटर्न मनी। मुझे क्या करना होगा, व्हाट विल आई हैव टू डू। क्या तुम्हें कार चलाना पड़ेगा, विल यू हैव टू ड्राइव अ कार। दोस्तों बात करते हैं वुड का। तो वुड के ऐसे कई सारे यूज हैं, वैसे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए मेरे सर के ऊपर एक लिंक आ रहा है, उससे आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं एक रफली आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूं। तो वुड का प्रयोग जो होता है कि हम प्रिडिक्शन के लिए करते हैं भविष्य में, ठीक है ना। जैसे कि वह शायद आएगा, तो ही वुड कम, ठीक है। वह शायद पैसे नहीं देगा, तो ही वुड नॉट गिव मनी, ठीक है। तो ये पहला यूज हो जाता है जिसमें आप प्रिडिक्शन की बात करते हो। दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल के जगह वुड का यूज कर देते हैं। जैसे कि विल यू कम हियर, क्या आप यहाँ आएंगे, तो इसके बजाय आप बोल सकते हैं वुड यू कम हियर। क्या आप नमक पास करेंगे, तो विल यू पास सॉल्ट नहीं होगा, वुड यू पास सॉल्ट। क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो विल यू हेल्प मी के बजाय वुड यू हेल्प मी। और पास्ट में कोई हम काम करते थे उसके लिए भी वुड का यूज करते हैं। वैसे बहुत सारा इसका यूज है, मैं चाहूंगा कि वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला यूज देखते हैं, यूज्ड टू।
तो बीते हुए समय में किसी काम को आप आदतन किया करते थे, उस काम के आप आदि थे, तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे क्लास के बाद हम मिला करते थे, वह रोज लेट आया करती थी, वह शराब पीने का आदि था, मोहन हमेशा झूठ बोलता था, तो ये सब हम यूज्ड टू के माध्यम से बताएंगे। किया करता था, किया करती थी, या का आदि था, ये इसका पहचान है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू, याद रखना दोस्तों, जब भी डिड का यूज होता है तो कोई भी सेकंड फॉर्म फॉर्मूले में नहीं टिकेगा। यूज्ड टू सेकंड फॉर्म, उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, तो उसके साथ और कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। तो जहां जहां डिड आएगा, यूज्ड टू का यूज टू करना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में आईडब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वह लेट आया करती थी, तो शी यूज्ड टू कम लेट। हम रोज लड़ा करते थे, वी यूज टू फाइट डेली। तुम कहां रहा करते थे, वेयर डिड यू यूज टू लिव। क्या तुम शराब पीने के आदि थे, तो डिड यू यूज टू ड्रिंक या कंज्यूम लिकर। वह झूठ नहीं बोला करती थी, तो शी डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई। अब ये तो हो गया पास्ट। अब यूज्ड टू को भी हम मॉडिफाई करके प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसका पहचान होगा किया करता है, किया करती है, का आदि है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू, यहां यूज्ड टू ही रहेगा, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म नहीं करना है, यूज्ड टू नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर आ रहा है, क्लियर है। डिड आता तो यूज्ड टू का यूज्ड टू होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वह लेट आया करती है, तो शी इज यूज टू कम लेट। वह झूठ नहीं बोला करती है, तो शी इज नॉट यूज टू टेल अ लाई। तुम कहां रहा करते हो, वेयर आर यू यूज टू लीव। वह सिगरेट पिया करता है, तो ही इज यूज टू स्मोक। सिगरेट पीने के लिए स्मोक का यूज करते हैं, अलग से सिगरेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगला केस लेते हैं नीड टू, इसका मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। तो सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, तुम्हें जाने की जरूरत है तो यू नीड टू गो, तुम्हें खेलने की जरूरत है यू नीड टू प्ले, उसे दौड़ने की जरूरत है तो ही नीड टू रन। कई लोग बोलते हैं सर नीड्स भी होना चाहिए, ही नीड्स टू रन। तो ध्यान देंगे, नीड टू जो है वो मॉडल भी है और नीड जो है वो मेन वर्ब भी है। तो जब मॉडल की तरह यूज करेंगे तो वो मॉडल की तरह यूज होगा, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, जैसे कि ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है, तो ही नीड्स मनी, तो यहाँ नीड का नीड्स करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब में एस एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट होगा ही शी इट नाउन सिंगुलर, क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, तो उसे खेलने की जरूरत है तो ही नीड टू प्ले। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है तो यू नीड नॉट टू गो, तो उसे खेलने की जरूरत नहीं है तो ही नीड नॉट टू प्ले। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, नीड सब्जेक्ट टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे जाने की जरूरत है, नीड आई टू गो। क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है, नीड आई टू प्ले। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में हम लोग मे माइट भी पढ़ लेते हैं। तो मे माइट, तो मे का यूज आपने शुरू में देखा था आज्ञा लेने व देने के लिए, लेकिन मे का एक और फ्लेवर है और वो है संभावना बताने के लिए। तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज आप प्रेजेंट में करते हैं और माइट का यूज पास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले मे का देखते हैं, इसका पहचान होता है शायद सकता है, शायद सकती, शायद सकता हूं। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनेगा। जैसे कि वह शायद आ सकता है, तो ही मे कम। तो कोई ऐसा काम जिसको आप बताना चाहते हैं, जिसमें आपको डाउट है, प्रोबेबिलिटी है 50-50 का, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो आप शायद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जा सकता हूं और श्योर हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन गो। मैं शायद जा सकता हूं, श्योर नहीं हूं, जाने के भी चांसेस और नहीं जाने के भी चांसेस है, तो मैं बोलूंगा आई मे गो। तो जहां आपको डावाडोल लग रहा है 50-50 है, तो मे का प्रयोग करेंगे, क्लियर। शायद सकता है, शायद सकती हूं, इसका पहचान है। वह शायद कोशिश कर सकता है, तो ही मे ट्राई। भारत शायद मैच जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच। वह शायद किताबें दे सकता है, तो ही मे गिव बुक्स। अगला केस देखते हैं, शायद हो सकता है, शायद बन सकता है। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। वह शायद भूखा हो सकता है, तो ही मे बी हंगरी। सवाल शायद कठिन हो, क्वेश्चन मे बी हार्ड। तुम शायद सही हो, यू मे बी राइट।
वह शायद गलत हो, ही मे बी रॉन्ग। यह एक अच्छा सवाल हो सकता है, इट मे बी अ गुड क्वेश्चन। अगला केस है, शायद कोई वस्तु पास हो सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास शायद एक चाकू हो सकता है, तो ही मे हैव अ नाइफ। उसके शायद दो भाई हो, तो ही मे हैव टू ब्रदर्स। बच्चों के पास शायद खिलौने ना हो, तो चिल्ड्रन मे नॉट हैव ट्वाइस। अब इसी का पास्ट देखते हैं, माइट। तो माइट का पहचान होता है शायद सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। वह शायद जा सकता था, तो ही माइट गो। तुम शायद कोशिश कर सकते थे, यू माइट ट्राई। एक और केस देखते हैं, शायद चुका हो, शायद गया हो, शायद आई हो। तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। वह शायद चला गया हो, तो ही माइट हैव गॉन। बच्चे शायद खाना पका चुके हो, तो चिल्ड्रन माइट हैव कुक्ड फूड। दोस्तों, माइट के एक और केस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी माइट का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं जब काम के होने की संभावना न के बराबर हो, नगण्य हो। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, श्योर। लेकिन 50-50 है, तो आई मे डू दिस वर्क। मैं शायद ही ये काम कर सकता हूँ, आई माइट डू दिस वर्क। तो जब आप श्योर होते हैं तो कैन लगाते हो, 50-50 हो तो मे, और शायद ही हो 0% के चांसेस है, 5% ही चांस है, तो माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और जब आप स्पोकन में जाएंगे तो आपको पता होगा कि जिस काम के बारे में आप बता रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर है यहां तक? तो ये थे सारे के सारे मॉडल्स जो मैंने आपको पढ़ाया, और होप सो इस तरीके से आपको मॉडल अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आया, तो उसको लाइक जरूर कर ले और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके मन में और भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि आने वाले समय में मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।